नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को आज है 6 नवंबर 2023 तो आइए शुरुआत करते हैं 6 नवंबर के इस सेशन को और देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स में क्या है इम्पोर्टेंट दोस्तों इस सेशन में हम लोग पांच इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के व्याख्या के साथ और वन लाइनस के कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं और सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और इसका उत्तर और व्याख्या हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और आज समय के अभाव के कारण झारखंड जी से जो ट्रेडिशनल जी के दिन हम लोग देखते हैं इस सीरीज़ में वो आज नहीं देख पाएंगे अतः नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग फिर जारी रखेंगे दोस्तों इसका पी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से और यह अभ्यास प्रश्न था नई दिल्ली में आयोजित बासठवें सुबर्तो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में अंडर सेवेंटीन बालिका वर्ग में झारखंड ने किस राज्य को हराकर इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में जीत हासिल की है इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र तीसरा है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है हरियाणा और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हरियाणा है यानी झारखंड ने हरियाणा को हराकर इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट यानी बासठवां सुबर्तो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में जीत हासिल की है और खिताब अपने नाम किया है आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था यह टूर्नामेंट और बालिका वर्ग में झारखंड ने लगातार दूसरे वर्ष जीत दर्ज की है आपको बता दें फाइनल के मुकाबले में झारखंड और हरियाणा के बीच मैच खेला गया था जिसमें झारखंड ने हरियाणा को तीन जीरो से हता हरा कर खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया था और झारखंड से सेंट पैट्रिक्स स्कूल जो कि गुमला में है वहां का आवासीय सेंटर टीम टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी सुबर्तो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में आपको बता दें कि यह इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है और भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है इसका आयोजन 1960 में प्रारंभ किया गया था और प्रतिवर्ष इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है और इस टूर्नामेंट का नाम प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर किया गया है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं भारत के सभी राज्यों और विदेशी देशों के चैंपियन स्कूल टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेती हैं जिससे यह स्कूल स्तर के सबसे उल्लेखनीय फुटबॉल प्रतियोगिता में से एक माना जाता है देश में जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य है और यह टूर्नामेंट दो आयु समूहों में आयोजित किया जाता है सब जूनियर वर्ग और जूनियर वर्ग सब जूनियर यानी अंडर फोर्टीन इयर्स के बच्चों के लिए और अंडर सेवेंटीन इयर्स के बच्चों के लिए जूनियर वर्ग का आयोजन किया जाता है चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने की और देखते हैं आज क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न झारखंड करंट अफेयर्स में और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है झारखंड में महिला हॉकी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिसका विमोचन रांची के मोराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया ऑप्शन ए डॉक्टर शहनवाज कुरैसी ऑप्शन बी तैयब विक्रम ऑप्शन सी भोलानाथ सिंह अथवा ऑप्शन डी पद्मश्री दिलीप तिर्क दोस्तों इस पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर शाहनवाज कुरैसी इस पुस्तक के लेखक हैं यानी झारखंड में महिला हॉकी नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शाहनवाज कुरैसी यानी पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर शाहनवाज कुरैसी झारखंड में महिला हॉकी यह पुस्तक का नाम है जिसका विमोचन किया गया तीन नवंबर 2023 को रांची के मोराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में और इस कार्यक्रम में तैयब इक्राम द्वारा इसका विमोचन किया गया आपको बता दें कि तैयब इक्राम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। और झारखंड में महिला हॉकी जो पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया उसके लेखक हैं डॉक्टर शहनवाज कुरैशी इसके अलावा आपको बता दें कि इस पुस्तक का विषय वस्तु क्या है पुस्तक झारखंड में महिला हॉकी को समर्पित किया गया है और पुस्तक में झारखंड महिला हॉकी की शुरुआत से लेकर अब तक के विकास यात्रा को दर्शाया गया है सितारे खिलाड़ियों के साथ बीते दिनों के दिग्गज खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का भी वर्णन इस किताब में देखने को मिल रहा मिलेगा खिलाड़ियों को तलाशने से लेकर तराशने तक प्रशिक्षक और खेल प्रशासकों की भूमिका पर भी इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है अब जान लेते हैं प्रोमिनेंट जो ऑफिशियल्स हैं जो हॉकी से रिलेटेड है वे कौन कौन हैं हॉकी झारखंड के प्रेसिडेंट की बात करें तो वर्तमान में हॉकी झारखंड के प्रेसिडेंट हैं भोलानाथ सिंह और भोला नाथ सिंह हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और भोला नाथ सिंह को हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था एशियन हॉकी फेडरेशन का इसके अलावा हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सैयब इकराम जो इस पुस्तक का विमोचन करने वाले व्यक्ति थे प्रश्न नंबर दो है किस जिला को दो हज़ार का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ हॉकी झारखंड चुना गया है ऑप्शन ए हॉकी रांची ऑप्शन बी हॉकी पूर्वी सिंहभूम ऑप्शन सी हॉकी खूंटी अथवा ऑप्शन डी हॉकी सिमडेगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हॉकी सिमडेगा यानी सिमडेगा जिले के डिस्ट्रिक्ट यूनिट को दो हज़ार का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट चुना गया है हॉकी के लिए यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है हॉकी झारखंड की दसवीं आम सभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसी में सिमडेगा को लगातार तीसरे वर्ष राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया और दसवीं वार्षिक आम सभा का आयोजन रांची के मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम के सभागार में किया गया था हॉकी सिमडेगा को 2021-22 का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ हॉकी झारखंड चुना गया जिसके लिए हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज मनोजेगी को, बे, को मोमेंटो देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है तीसरा नंबर प्रश्न है देशभर में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए झारखंड सी की ओर से कौन सा एप्लीकेशन यानी ऐप एप तैयार किया गया है ऑप्शन ए शक्ति एप ऑप्शन बी प्र, प्रतिबिंब ऐप ऑप्शन सी सुविधा ऐप अथवा ऑप्शन डी प्रतिभा ऐप दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिबिंब ऐप नाम से एक ऐप तैयार किया गया है जो साइबर क्राइम पर लगाम लगाने में सहायक सिद्ध होगा जो झारखंड सीआईडी की ओर से इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है आइए इसके बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं आपको बता दें कि देश भर में साइबर क्राइम पर लगा लगाने के उद्देश्य से झारखंड सीआईडी की ओर से एक विशेष तैयारी की गई यानी प्रतिबिंब ऐप या कह सकते हैं पोर्टल को तैयार किया गया है और साइबर अपराधियों को ट्रैक करने में यह ऐप काफ़ी सहयोगी हो होगा यानी काफ़ी लाभदायक होगा आपको बता दें कि साइबर अपराधियों के सीम डेटाबेस को एक जगह इकट्ठा करने में इससे सहायता भी मिलेगी और इस एप्लीकेशन में किसी साइबर अपराधी के मोबाइल नंबर को डालने पर उसका लोकेशन ऐप में आ जाएगा और इसके माध्यम से आसानी से किसी स्थान पर छिपे साइबर अपराधी को ट्रैक किया जा सकेगा और उसे पकड़ा जा सकेगा अरेस्ट किया जा सकेगा इसके अलावा एक और बात जो नोट करने योग्य है राज्य में यानी झारखंड में रोजाना कम से कम ढाई हजार और अधिकतम तीन हजार साइबर अपराध यानी साइबर अपराध ही सक्रिय है और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगले प्रश्न को और यह प्रश्न है तेलेस फोर पी टोप्पो कौन थे जिनका निधन हाल ही में रांची में हो गया ऑप्शन ए रांची चर्च के संस्थापक थे ऑप्शन बी देश के पहले कार्डिनल थे ऑप्शन सी देश के पहले आदिवासी कार्डिनल थे अथवा ऑप्शन डी विश्व के पहले आदिवासी कार्डिनल थे इसका सही उत्तर है दोस्तों वो भारत के पहले आदिवासी कार्डिनल थे जिनका निधन हाल ही में रांची में हो गया है आपको बता दें कि रांची के धर्माध्यक्ष थे देश के पहले आदिवासी कार्डिनल फोर पी टोपो जिनका उम्र तिरासी वर्ष था चार अक्टूबर 2023 को रांची जिले के मांडर स्थित एक अस्पताल में उनका निधन हो गया वह देश के पहले ऐसे आदिवासी थे जिन्हें पोप के कैबिनेट में जगह मिली थी और एशिया के पहले आदिवासी बिसअ भी थे वे वे कई भाषाओं के जानकार थे उनकी मातृभाषा तो कुर्ुक थी परंतु अंग्रेजी फ्रेंच सहित कई भाषाओं भाशा के वे अच्छे जानकार थे उनका जन्म 15 अक्टूबर तो 1935 को गुमला में झाड़गांव चैनपुर में हुआ था और स्विट्ज़रलैंड के बेसल में 8 मई उन्नीस को बिशप फ्रांसिस ने एक पुरो पुरोहित के रूप में तेलिसफोर्पी टिप्पो को टिप्पो का, का अभिषेक किया था और 2003 में उन्हें कार्डिनल बनाया गया था प्रश्न नंबर पांचवा है झारखंड के किस शहर में झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है ऑप्शन ए बोकारो ऑप्शन बी दुमका ऑप्शन सी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी रांची इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जमशेदपुर में झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है आपको बता दें कि एक से सात नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है जमशेदपुर में और यह झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का चौथा संस्करण है आपको बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश के लगभग 200 फिल्में आई हैं जिसमें से 60 फिल्म प्रदर्शन के लिए चुनी गई थी इस इन 60 फिल्मों को सात दिनों के अंदर यहाँ दिखाया जाएगा अवार्ड समारोह में बॉलीवुड एक्ट्रेस व राम तेरी गंगा मैली की अभिनेत्री मंदाकिनी और झारखंड के लोक गायक पद्मश्री मुकुंद नायक भी मौजूद रहेंगे सिने अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार का वितरण भी किया जाएगा दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब झारखंड करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वनडाइनर्स के प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है किस भाषा के लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसका उत्तर है संताली आपको बता दें कि लेखक कजली सोरेन के कजली सोरेन को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार और कविता संग्रह सावन का बाल्य रे सानंद पंजय के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है दूसरा प्रश्न है झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया यह पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर लंबोदर महतो को दिया गया जो व्युकोमिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और आत्सू के विधायक हैं यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली में इन्हें पुरस्कृत किया गया और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और आज का प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है दोस्तों वर्तमान में झारखंड में महिला विधायकों की संख्या बारह हो गई है और ये महिला विधायक हैं आईएनसी की चार यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की चार महिला विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी चार महिला विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के तीन और ऑल झारखंड रेजिडेंट्स यूनियन के एक महिला विधायक वर्तमान में झारखंड में हैं इस तरह झारखंड में कुल बारह महिला विधायक वर्तमान में हैं। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किस एयरपोर्ट पर किया गया इसका उत्तर है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसका उत्तर है खेलो झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नेक्स्ट प्रश्न है थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया जहाँ झारखंड के दो खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसका उत्तर है इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था और ब्रॉन्ज मेडल जो विनर हैं दो खिलाड़ी वे हैं एलिसन रूबल खाखा और काजल इन दोनों को थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ था इसके अलावा आइए कुछ और प्रश्नों को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में और इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट प्रश्न है वह किस जिले के हॉकी टर्फ मैदान में एफ फील्ड एफ फील्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है इसका उत्तर है खूंटी आपको बता दें कि खूंटी हॉकी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान रहा है खूंटी से जयपाल सिंह मुंडा मनोहर टोपनो और निक्की प्रधान जैसे बड़े खिलाड़ी आए हैं जो देश को तीन ओलम्पिय ओलंपियन दे चुके हैं यानी खूंटी से तीन ओलंपियन देश को मिला है जयपाल सिंह मुंडा मनोहर टोपनो और निक्की प्रधान डुमरी विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की है इसका उत्तर है बेबी देवी को जीत हासिल हुई है जो जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं जिनका निधन जगन्नाथ महतो जो मंत्री थे जिनका निधन कुछ दिनों पहले हो गया था उनकी पत्नी है बेबी देवी जिन्होंने आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी को हराकर डुमरी विधानसभा में जीत हासिल की है रांची के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और उनके संरक्षण के लिए हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व तो विभाग को तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है इसका उत्तर है रांची का ब्रह्म मंदिर सी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्लीन एयर सर्वे 2023 में झारखंड के किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है इसका उत्तर है धनबाद वहीं पूरे देश की बात करें तो देश में धनबाद का इस मामले में क्लीन एयर सर्वे 2023 में उन्नीसवां स्थान है नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है इसका उत्तर है हिदायतुल्ला खां के हिदायतुल्ला खां को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया है यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नामक फिल्म में धनबाद के संजय भारद्वाज विलेन के रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन हैं इसके मुख्य किरदार हैं दोस्तों बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार और यह फिल्म अब रिलीज भी हो गया है दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को और आज का यह अभ्यास प्रश्न है झारखंड के किस जिले में सीपीएस सिद्धू कानून विद्यापीठ और छात्रावास की आधारशिला 21 जून 2023 को रखी गई थी इसका पहला ऑप्शन है दुमका दूसरा ऑप्शन है साहेबगंज तीसरा ऑप्शन है हजारीबाग और चौथा ऑप्शन है रांची दोस्तों इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट में करके बता सकते हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट सेशन में और दोस्तों आज यहीं सेशन समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ धन्यवाद